cash from financing activities. Okay. Now after that, this is what is the complete details we are having of the CFS cash flow statement as per AS 3, and this is what is your. We have started with the opening balance of the cash and cash equivalent. Then there is going to be your cash from operational activity, CFOA. CFOA, it is your net profit during the year. We'll start with the net profit during the year. Or देखो CFOA निकालने का दो method है, indirect है, direct है. लेकिन जैसे आपने अगर tax पढ़ा होगा, तो वहाँ पे अगर आपने profit and gain of business and profession का chapter पढ़ा होगा, तो वहाँ भी हम लोग जब टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड से ही निकालते हैं. कारण ये होता है कि जब आपका अकाउंट्स बनता है और जब ऑडिट होता है, तो उसके बाद जो आपके पास सबसे रिलायबल सोर्स होता है वो ऑडिटेड रिपोर्ट ही होता है एक्चुअली. तो इंस्टेड ऑफ अगेन प्रिपेयरिंग अ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ कैश, व्हाट वी प्रेफर दैट वी ट्राई टू टेल द नेट प्रॉफिट during the year from the financial year, financial report, और वहीं से हम working back करते हैं, reverse calculation करते हैं. इसलिए इसको indirect method बोलते हैं. mostly popular indirect method ही है और ज़्यादातर आपके पास question indirect method से ही आएगा. So you start with the net profit during the year, then you add all non-cash and non-operational expenditure like depreciation, like provision for taxation, like proposed dividend, like transfer to general reserve, like return off of discount on issue of equity share, like retain off of discount on preference share, like interest on loan, and you deduct all non-cash incomes like interest on investment, like profit on sale of fixed asset. So what you get? You get, which is known as profit from operation, PFO. Then in this profit from operation, we treat the working capital. So increase in the current liability is added, decrease in the current assets is added, decrease in the current liability is deducted, increase in the current assets is again deducted. So we calculate cash from operational activity, CFOA, and then we deduct the income tax payment. So this is called cash from operational activity before extraordinary items or exceptional activity, प्लस और माइनस. अगर आपका उसमें से कैश निकल रहा है तो दैट विल बी प्लस, और उसमें और ज़्यादा कैश इन्वॉल्व हो रहा है तो दैट विल बी माइनस. तो आपको मैंने यहाँ पर बताया कि ऑपरेशनल एक्टिविटी जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो 80% वो जॉब इज योर डन. सो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर ट्रीटेड मोस्टली इन कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग में 10% है, फाइनेंसिंग में 10% है. व्हाट आर द आइटम यू आर गोइंग टू टेक इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? इफ यू हैव परचेज ऑफ फिक्स असेट माइनस, इफ यू हैव सेल ऑफ फिक्स असेट प्लस, if you have receiving of interest on investment will be plus. So this is your cash from investing activity plus and minus. Ekta ji, samajh mein aa raha hai? Aap dekhi sheet, dekhi sheet chok kar diya, dekhi main kya batana chah raha hu aapko. Cash flow statement में जो हम ऑपरेशनल एक्टिविटी निकालते हैं, उसमें मोस्टली वी प्रेफर इनडायरेक्ट मेथड. क्या प्रेफर करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड. ओके, व्हाई वी आर प्रेफरिंग इनडायरेक्ट मेथड? दिस इज व्हाट यू आर हैविंग द इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड हम क्यों फॉलो करते हैं? टैक्सेशन में भी हम इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने के लिए. क्यों हम फॉलो करते हैं? क्योंकि हमारे पास, देखिए, जो सबसे रिलायबल सोर्स है भाई, देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते क्यों? तो ये चीज़ें आपने कॉमर्स में, ट्वेल्थ में पढ़ा होगा. इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाया, जो इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट आपने बनाया, उसको बनाने के बाद आपको एनालाइज भी करना होता है. वो बेसिक डेफिनेशन में भी है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, एंड लास्ट में है एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट देयर ऑफ. जो रिजल्ट उसमें से निकल रहा है उसको उनको इंटरप्रिटेट भी करना होता है, उनको एनालाइज भी करना होता है. तो एनालिसिस के तीन बेसिक टूल हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस. रेशियो में तो हम डिफरेंट रेशियो निकालते हैं, कंपेयर करते हैं. फंड फ्लो में हम मूवमेंट ऑफ फंड निकालते हैं.
फंड किसको बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं। जैसे अभी अगर आपसे पूछा जाए कि एकता जी लाइक बाय मंडे हाउ मच मनी यू कैन अरेंज, हाउ मच फंड यू कैन अरेंज, तो आप बोलोगे कि ओके फाइन आई हैव 10,000 एंड देन आई विल, मैंने किसी को 20,000 दिया है, मैं उससे 20,000 ले लूँगी, 30,000 और मैं 20,000 किसी और से कर्जा ले लूँगी, 50,000 मैं अरेंज कर सकता हूँ, दैट इज़ द फंड। तो देखिए क्या होता है, आपने जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, मतलब आपने जो इनकम स्टेटमेंट बनाया, वो आप एक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कैश बेसिस वर्सेस एक्रूवल बेसिस। कौन सा मेथड हम प्रेफर करते हैं? एक्रूवल बेसिस। हम कैश बेसिस क्यों नहीं प्रेफर करते हैं बताइए, व्हाई वी डू नॉट प्रेफर द कैश बेसिस, टेल मी। उसका उससे मतलब नहीं है, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, उस पर बात आई कि हम अकाउंट्स को, इनकम स्टेटमेंट को अक्रूवल बेसिस पे क्यों बनाते हैं, व्हाई वी डू नॉट, व्हाई वी कैनॉट प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑन कैश बेसिस। देखिए क्या होगा, समझिए, अगर आप कैश बेसिस पे बनाएंगे ना, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब अकाउंट्स को कैश बेसिस पे बनाने की बारी आई, तो देखिए प्रॉब्लम क्या आया, आपने 10,00,000 का सेल किया, 5,00,000 आपने कैश सेल किया, 5,00,000 आपने क्रेडिट सेल किया, लेकिन कैश बेसिस में आपका सेल 5,00,000 ही दिखेगा। अगले साल फिर आपने 10,00,000 का सेल किया, नेक्स्ट ईयर फिर आपने 10,00,000 का सेल किया, लेकिन वो 10,00,000 पूरा आपके पास आ गया और वो जो 5,00,000 का क्रेडिट सेल था वो भी आ गया, तो आपको अगले साल सेल 15,00,000 दिखेगा, जबकि रियलिटी में ऐसा है नहीं। रियलिटी में आपका सेल इस साल 10,00,000 है, फिर अगले साल 10,00,000। यही प्रॉब्लम परचेज में भी होगी, यही प्रॉब्लम एक्सपेंस में भी होगी, हर जगह पे होगी। नतीजा क्या होगा, यू विल बी फाइंडिंग आउट द कैश प्रॉफिट, लेकिन जो रियल बिजनेस का जो हैपनिंग है, दैट यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट। That's why it was decided there that whatever the accounts will prepare on accrual basis. So worldwide हम accounts accrual basis पे बनाते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, सारे prepaid, सारे outstanding, सारे credit items सब consider कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है इस साल भी सेल 10,00,000 का दिखता है, अगले साल भी सेल 10,00,000 का दिखता है। Now on तो income statement तो आपने accrual पे बना लिया, अब problem क्या आई, पहले लोग क्या करते थे, डमी सेल्स दिखा देते थे, कैश आता नहीं था, प्रॉफिट सुपर डुपर हिट है और बिजनेस में कैश क्रंच हो रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस लोग चला नहीं पा रहे हैं, दिवालिया हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं। पता चला ऐसा क्यों हुआ, बोले अकाउंटिंग प्रॉफिट तो बुक कर लिया लेकिन मार्केट से पैसे ही नहीं कलेक्ट कर पा रहे, डमी सेल दिखा रहे हैं या ज़्यादा उधारी का सेल फेंक रहे हैं केवल प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने के लिए। तो अगर आपके पास कैश नहीं रहेगा तो आप दुकान नहीं चला पाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम आई, आपने अक्रूवल बेसिस पे बनाया तो मूवमेंट ऑफ कैश नहीं पता चलता है। और फिर जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो आप बैलेंस शीट बनाते हैं, वो एज ऑन डेट बनाते हैं, तो वो बनाते हैं एज ऑन 31 मार्च, तो पूरे साल में जो बैलेंस शीट आइटम्स हैं, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का भी जो फाइनल जिस्ट है दैट गोज टू द बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट इज द मदर स्टेटमेंट, मदर स्टेटमेंट मीन्स इट गिव यू द डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटी एंड द कैश एंड द बैंक एंड एवरीथिंग and the profit also, the final profit also. So balance sheet is the mother financial statement. But वो जो balance sheet बनता है वो as on date में बनता है। तो पूरे साल में equity share को लेके, preference share को लेके, debentures को लेके, दूसरी चीज़ों को लेके movement of cash कितना हुआ वो नहीं पता चल रहा है, किसी भी statement से नहीं पता चल रहा है। और जो आप profit and loss accrual basis पे बनाए उसमें भी movement of cash नहीं पता चल रहा है। So what we wanted, we wanted to prepare the movement of the funds. तो इसके लिए हमने इन स्टेटमेंट को एनालाइज किया और एनालाइज करके आपने एक फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया। बट फिर फंड में प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको कहा कि जब कहते हैं फंड कितना अरेंज करोगे तो आप पकड़ते हो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब आप पकड़ते हो वर्किंग कैपिटल। और आपने कहा ओके फाइन मंडे तक 50,000 हो जाएगा, 10 है, 20 वहां से मांग लेंगे जो मैंने दिया था, 30 और 20 किसी से कर्जा ले लेंगे, 50 हो जाएगा। मंडे को जब आपसे पैसा, बोले नहीं सर 10,000 ही हुआ। बोले क्यों? बोले वो जिसका कर्जा था उसने हाथ उठा दिया और जिससे मैंने एक्सपेक्ट किया था मिलेगा वो भी मेरे को नहीं दे पाया। सो अल्टीमेट रियल क्या होता है, फंड में भी सबसे रियल है कैश। तो
तो इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बना दिया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और लिस्टेड कंपनी वगैरह के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि आप इनकम स्टेटमेंट भी सबमिट करोगे, पोजिशन स्टेटमेंट भी सबमिट करोगे और आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी सबमिट करोगे, ताकि हम ये चेक करेंगे कि आपका मूवमेंट ऑफ कैश क्या है। लेकिन फंड फ्लो और कैश फ्लो में एक डिफरेंस है। कैश फ्लो एक्टिविटी वाइज बनता है, फंड फ्लो बनता है सोर्स एंड एप्लीकेशन, कहीं से भी आया सोर्स, कहीं भी गया एप्लीकेशन। लेकिन कैश फ्लो को बनाया जाता है एक्टिविटी वाइज। तो तीन मेन एक्टिविटी डिफाइन किया गया, ऑपरेशनल, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। देखिए बिजनेस में आपका तीन ही काम है, एक तो डे टू डे ऑपरेशन आप चला रहे हैं, दूसरा पूरे साल में आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तीसरा पूरे साल में आप कहाँ कहाँ से पैसा ले रहे हैं। तो तीन एक्टिविटी बनाया गया, और इस तीन एक्टिविटी में ये ध्यान दिया गया कि जो मदर एंड द चाइल्ड है दोनों एक ही एक्टिविटी में रहेगा। यानी अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे तो उस पर मिलने वाला डिविडेंड एंड इंटरेस्ट वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी दिखेगा। अगर आप इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर को फाइनेंशियल एक्टिविटी में दिखाएंगे तो उस पर देने वाला डिविडेंड वो आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही दिखेगा। और बात आई ऑपरेशनल एक्टिविटी की, ऑपरेशनल एक्टिविटी आप डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से बना सकते हो। डायरेक्ट मेथड से बनाना सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन हम स्टार्ट कहां से करते हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, बैलेंस शीट में मदर एक्टिविटी है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का भी डिटेल हो गया। तो हम क्या करते हैं, 31 मार्च का बैलेंस शीट पकड़ते हैं, 1 अप्रैल का बैलेंस शीट पकड़ते हैं, 1 अप्रैल 31 मार्च के बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं, पूरे साल का मूवमेंट ऑफ कैश निकाल लेते हैं, और वो ऑडिटेड बैलेंस शीट से करते हैं। तो ऑडिटेड बैलेंस शीट में मेरे पास क्या है, नेट प्रॉफिट है। अब नेट प्रॉफिट है और हमको क्या निकालना है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कैसे कीजिएगा, देखिए आपके सामने रिवर्स कैसे कीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बनाना डायरेक्ट वाला ज्यादा आसान है, लेकिन मोस्टली ये प्रचलित नहीं है, ये प्रेफर्ड नहीं है। क्यों ये प्रेफर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो रिलायबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का, वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो वहां पर हमारे पास नेट प्रॉफिट दिखता है, हम सीधा नेट प्रॉफिट उठाते हैं, और जो जो चीजें हम रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं वो प्लस माइनस करके निकालते हैं। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आपने लिया। अब इसमें आप ऐड करेंगे, क्या जोड़ेंगे, बोले जितना भी नॉन ऑपरेशनल एंड नॉन कैश आइटम्स आया। अब कुछ इसमें नॉन कैश आइटम है, कुछ नॉन ऑपरेशनल है, जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नॉन कैश आइटम है, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट नॉन कैश है, इंटरेस्ट पेड नॉन ऑपरेशनल है, पेमेंट तो हुआ लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं था। तो उसको, तो इनको हमने क्या करना है, जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है, क्योंकि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला था तो हमने उसको घटा दिया था। अब जोड़ने में क्या क्या आइटम आप जोड़िएगा, तो आप जोड़िएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिएप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इंटरेस्ट पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ये यहाँ पे ये हो रहा है, एडजस्टमेंट की बात आ रही है, तो ये जो आपका डेप्रिसिएशन है वो ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऐड होगा, अमोर्टाइजेशन ऐड होगा, इंटरेस्ट पेड ऐड होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होगा, प्रॉफिट ऑन सेल माइनस होगा। इसलिए जो मैंने आपको करवाया उसमें हमने आपको क्या करवाया, ऐड और लेस करवाया, अलग अलग लिखा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ऐड वाले में डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, राइट ऑफ ऑफ डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। क्यों आप ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने जनरल प्रॉफिट निकाला था तो आपने इसको माइनस किया था, तो चूंकि ये नॉन ऑपरेशनल है इसको वापस जोड़िए। तो इसको आप वापस जोड़ेंगे तो ऑपरेशनल चीजें निकलेगी आपकी, इंटरेस्ट ऑन लोन ये जुड़ेगा, माइनस क्या होगा जो पहले जुड़ चुका है, क्या जुड़ चुका था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जुड़ चुका था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट जुड़ चुका था, ये माइनस कीजिएगा तो ये क्या निकलेगा, क्या नाम होगा इसका, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अभी कैश फ्रॉम ऑपरेशन नहीं निकला, अभी क्या निकला आपका, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकला, इसको बोलते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। अब इसके बाद हम इसमें पकड़ते हैं मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है, देखो अगर कोई करेंट लाइबिलिटी तुम्हारी बढ़ रही है, मतलब कोई सन्डरी क्रेडिटर बढ़ रहा है, कोई बिल्स पेबल बढ़ रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो आपको उधार दे रहा है,
उधार दे रहा है, मतलब आपने उससे उधार खरीदा और यहाँ माल बेचना शुरू कर दिया, उसने तो उधार दिया लेकिन आपके पास क्या हुआ, कैश आइटम बढ़ रहा है, मतलब कैश जैसा आइटम बढ़ रहा है, आप उसको बेच के कैश इन कैश कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी है तो आप जोड़िएगा, और अगर डिक्रीज इन करेंट एसेट है, अब 1 लाख का स्टॉक था घट के 80,000 हो गया, यानी आपने बेच के 20,000 निकाल लिया हो, सन्डी डेटर 1 लाख था घट के 60,000 हो गया, मतलब आपने उसका चाबी टाइट करके उससे 40,000 रुपये ले लिया होगा, तो डिक्रीज इन करेंट एसेट ऐड होगा, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी ऐड कीजिएगा, लेस किसको कीजिएगा, डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी। अब करेंट लाइबिलिटी कैसे कम होगा, आप उसको पे करेंगे तो करेंट लाइबिलिटी क्या होगा, कम होगा, कम होगा कि नहीं, आप उसको पे करेंगे तो करेंट लाइबिलिटी कम होगा। हेलो हेलो हेलो, और अगर आप करेंट एसेट्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बोलिए, इफ विल इंक्रीज द करेंट एसेट्स व्हाट विल हैपन, आप पैसा उसमें फंसा रहे हैं, 50,000 का स्टॉक था आपने 1 लाख कर दिया, मतलब आपने 50,000 का स्टॉक और खरीद दिया, 50,000 का डेटा था आपने 1 लाख कर दिया, मतलब उसको आपने और उधारी दे दिया, यानी आप लेस कर रहे हैं। तो ये जब आप लेस करेंगे तो निकलेगा कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी बिफोर इनकम टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और एक और बोलते हैं एक्सेप्शनल आइटम, इसमें से इनकम टैक्स को माइनस करेंगे तो ये क्या निकलेगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड एक्सेप्शनल एक्टिविटी, अगर कुछ है तो उसको प्लस माइनस कीजिएगा, अदरवाइज यही आपका CFOA होगा, प्लस एंड माइनस के रूप में दिखाया गया है, क्यों, अगर उसमें से पैसा आ रहा है तो उसको प्लस बोलेंगे, और अगर उसमें पैसा और घुस रहा है तो माइनस बोलेंगे, और लग रहा ऑपरेशन में तो माइनस बोलेंगे। पहला एक्टिविटी हो गया, पहले एक्टिविटी में कितनी सारी चीजें आपने कवर कर ली, प्रॉफिट से जुड़े हुए सारे आइटम, वर्किंग कैपिटल से जुड़े हुए लगभग लगभग सारे आइटम, इनकम टैक्स। अगर बैलेंस शीट को आप एनालाइज करें तो जो भी एसेट साइड में होता है, जैसे मतलब अगर ये बैलेंस शीट आपके सामने है तो गुडविल राइट ऑफ है, प्रिंटेड एक्सपेंडिचर राइट ऑफ है, डेटर्स, स्टॉक, कैश, यानी इधर से आपने 4-5 आइटम, अभी 2 ही बच रहा है, इधर से आपने जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम टैक्स, ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब कंसीडर कर लिया। तो इसलिए आपको कहा गया कि जब आप कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी बना लोगे ना, मतलब योर 80% ऑफ द जॉब इज डन। अब 2-4 आइटम बचे हैं यहाँ पे फाइनेंसिंग के, और 2-4 आइटम बचे हैं इसमें इन्वेस्टिंग के। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपके पास क्या क्या चीज होगा, यहाँ पे देखिए बेटर दिया होगा, आप देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप किसको बोलते हैं, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लगाया जा रहा है, जो आपने उधर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप पढ़ोगे कैपिटल इन्वेस्टिंग वगैरह। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपका क्या हो रहा है, फिक्स एसेट है, प्लांट एंड मशीन है, लैंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट्स है, ये सारा चीज है। तो इसमें से क्या होगा, देखो अगर सेल ऑफ फिक्स एसेट है तो क्या होगा, अगर फिक्स एसेट बेचोगे तो कैश आएगा, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। अगर परचेज करोगे तो क्या होगा, माइनस। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो क्या होगा, प्लस। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो क्या होगा, माइनस। अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो प्लस। मैंने बोला ना मदर एंड चाइल्ड एक ही जगह आएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिसीव किया हुआ जाने वाला इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिसीव किया जाने वाला डिविडेंड, सब इसमें ही आएगा। तो लेकिन इसमें आएंगे 4-5 आइटम ही, इसका नेट प्लस माइनस। अगर आपके पास आ रहा है तो प्लस, नहीं तो जा रहा है तो माइनस। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में क्या क्या होगा, शेयर इशू ऑफ शेयर प्लस, इशू ऑफ डिवेंचर प्लस, रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन लेना प्लस, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना माइनस, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर माइनस, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन माइनस, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर माइनस, डिविडेंड पेड ऑन शेयर माइनस, दिस इज नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस और माइनस। अब आप करना क्या है, CFOA दैट इज गोइंग टू बी द प्लस एंड माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं, ए और बी और सी। तो यहां पर हम क्या लेंगे, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैसे लिया जाएगा, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी। यहां पर एक इफेक्ट आएगा, वो प्लस या माइनस होगा, उसमें आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ देंगे तो आपके पास जो बचेगा वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग का बचेगा।
क्लियर, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग का आपके पास बचेगा। लेकिन इसके बाद जो पढ़ाया गया पिछले क्लास में वो ये पढ़ाया गया कि देखो आपके पास कुछ एडजस्टमेंट हर बार आपको लगेगा जो कॉमन एडजस्टमेंट्स है। कौन कौन सा एडजस्टमेंट आपको लगेगा? एक लगेगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जिसके लेजर आपको वर्किंग नोट में बनाने पड़ेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट डेबिट ओपनिंग बैलेंस यहां पर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आएगा, जितना कैश पेमेंट करोगे आप टू कैश टैक्स पेड, जितना आपने पीएल से लिया बाय पीएल बैलेंसिंग फिगर। अब एक बार जब लेजर बना लेते हो ना तो आपको यह बताया गया कि ओपनिंग और क्लोजिंग इरिलेवेंट हो जाता है, और टैक्सेशन एक ऐसा आइटम है जो दोनों ट्रीटमेंट सीएफओए में ही दिखता है। कहां दिखता है? कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी में ही दिखता है। एक दिखेगा एक्चुअल पेमेंट, एक दिखेगा एज ए नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस। कैसे दिखेगा? एज ए नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, और एक दिखेगा एज ए एक्चुअल पेमेंट। फाइन, तो बच्चे कोई आए नहीं, अंशु नहीं है? अंशु का क्लास नहीं है? कहां है? सो गए, पूछते हैं। तो लेकिन ये सीएफओए में देखो एक दो जगह टैक्स आएगा, एक यहां पर आप ऐड करोगे और एक यहां पर इनकम टैक्स पे करोगे। पेमेंट वाला कौन है ये, ऐड वाला कौन है ये? क्वेश्चन में ये दिया रहे तो ये निकल जाएगा, क्वेश्चन में ये दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स जैसा ही, एग्जैक्टली प्रोविजन फॉर टैक्स जैसा ही आपका क्या बनेगा, प्रपोज डिविडेंड बनेगा। फल्टे सेम टू सेम अकाउंट प्रपोज डिविडेंड का। देखो प्रपोज डिविडेंड, अरे अंशु ट्यूशन नहीं आ रहा है क्या? तो जल्दी भेजो ना, सर वेट कर रहे हैं। कितने बजे ट्यूशन होती है उसकी, बात कराना। प्रपोज डिविडेंड, ओपनिंग बैलेंस, हाँ हेलो, कितने बजे क्लास है तुम्हारी? तो सर अब जाने के लिए बोल रहे हैं। अभी बताता हूँ मैं तेरे को, कितने देर में आ रहे हो तुम? ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, दिस इज द कैश पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दिस इज द कैश पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो आपने पे किया, दिस इज द बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बार आपने अकाउंट बना लिया, नो नीड ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। जो आप पेमेंट करोगे वो कहां दिखेगा? कैश फ्रॉम कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आप भी चेंज कर लेना, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जो पीएल से लोगे वो दिखेगा सीएफओए में एज नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। उसके बाद आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट आएगा जिसका नाम होगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट वेयर देयर इज नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एग्जिस्ट, मींस मतलब देखो आप डेप्रिसिएशन दो तरीके से ट्रीट करते हो, एक एसेट्स में डायरेक्ट चार्ज करते हो, एक प्रोविजन का माध्यम अपनाते हो। अगर डायरेक्ट वाला है तो क्या क्या चीज आएगा? देयर विल बी ओपनिंग बैलेंस, देयर विल बी टू कैश और बैंक परचेजेस, यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन बाय बैंक डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। जब बेचोगे आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस लॉस, प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट, एंड देयर विल बी क्लोजिंग बैलेंस। वंस लेजर इज प्रिपेयर्ड, नो यूज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो जो डेप्रिसिएशन हुआ और जो लॉस हुआ वो सीएफओ में जाएगा एज ए नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर।
और जो आपने खरीदा और जो बेचा वो सीएफआई में जाएगा, खरीदने वाला माइनस में जाएगा, बेचने वाला प्लस में जाएगा। क्लियर? ठीक है। लेकिन फिक्स एसेट्स आपके लिए तब प्रॉब्लम का कंसर्न हो जाएगा जब यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्शन भी होगा। तो फिक्स एसेट्स में देयर विल बी ओपनिंग बैलेंस, देयर विल बी क्लोजिंग बैलेंस। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस यहां पर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहां आएगा। जितना आपका डेप्शन होगा प्रोविजन का उन एसेट्स पे जिसको बेचा जा रहा है, वो यहां से निकलकर यहां ट्रांसफर होगा। उसके बाद उसको बेचा जाएगा बाय बैंक, बेचने पे जो लॉस होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस, बेचने पे जो प्रॉफिट होगा बाय टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट। अगर आपने कुछ खरीदा